हमारी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्वादिष्ट कबाब बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जो किसी भी अवसर के लिए एकदम सही है। चावल और आलू के कटलेट पके हुए चावल और आलू के साथ बनाए जाते हैं। सुगंधित जड़ी बूटियों और मसालों के मिश्रण के साथ सुनहरा कुरकुरा होने तक तले जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन कटलेट को बनाने के लिए बचे हुए चावल का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए यह आपके पास बचे हुए चावल का उपयोग करने का एक शानदार तरीका है। कटलेट को अपनी पसंद के डिप के साथ नाश्ते के रूप में या भोजन के साथ साइड डिश के रूप में परोसें। आए शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर व्यंजनों को अपनी इच्छित सर्विंग्स की संख्या में बदल सकते हैं? हमारी वेबसाइट पर आप वीडियो देखने के साथ साथ स्क्रिप्ट को संशोधित या प्रिंट भी कर सकते हैं। आप डिश के मिर्च के स्तर को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। यह अनूठी विशेषता आपकी वांछित सेवा या मिर्च के लिए नुस्खा तैयार करने में आपकी सहायता करेगी। यह नुस्खा 3 लोगों के लिए है। यदि आपने नुस्खा बदल दिया है तो कृपया इन मात्राओं का पालन करें। अब चलिए वास्तविक रेसिपी पर चलते हैं। एक बर्तन में 2 कप पके हुए चावल लें। हम कल रात के बचे हुए उबले हुए चावल का उपयोग कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पुलाव है या सादा उबला हुआ चावल। एक उबला मैश किया हुआ मध्यम आलू डालें। एक कद्दूकस की हुई मध्यम आकार की गाजर डालें। एक छोटे आकार का कटा हुआ प्याज डालें। अच्छी तरह मिलाएं। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालें। आधा चम्मच अनार के बीज का पाउडर मिलाएं। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालें। आधा छोटा चम्मच नमक डालें। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। एक चम्मच नींबू का रस डालें। एक बड़ा चम्मच सूखे मेथी के पत्ते डालें। अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को अच्छे से मैश कर लें। अपने हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं। मनचाहे आकार की टिक्की बना लें। एक फ्राइंग पैन में दोनों तरफ से समान रूप से सुनहरा भूरा होने तक भूनें। किचन टॉवल पर निकालें। आप चाहे तो कबाब को फेंटे हुए अंडे या आटे के साथ फ्राई कर सकते हैं। यह विशुद्ध रूप से आप उन्हें कैसे पसंद करते हैं। टोमेटो केचप के साथ एंजॉय करें। हमारे पास घर पर टोमेटो केचप बनाने की रेसिपी भी है। अलविदा।